जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट 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 की स्पेसिफिकेशन की शीट और उसकी वैलिडेशन। तो हम इसको स्टार्ट जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट 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 की स्पेसिफिकेशन की शीट और उसकी वैलिडेशन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ना सबसे पहले आपने अपने जहन में दो तीन चीज़ें बिठा लेनी है कि जब हमने अपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है या किसी से भी कॉन्टैक्ट करना है, अलीबाबा वगैरह, या आप कहीं से भी सोर्स करवा रहे हैं, तो आपने एक अपनी पूरी स्पेसिफिकेशन शीट बना के रखनी है। अपने माइंड में बिठा लेना है कि आपके पास जिसे भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं उस आपके पास एक पूरी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट हो। ये बेसिकली अगर आप सीरियस हैं तो ये काम करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, अमेज़ॉन का लिंक कॉपी करेंगे, सप्लायर को भेज देंगे, उसको कहेंगे कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मैंने इनोवेशन करवानी है, ये काम नहीं करना, ये काम करना है। इस चीज़ से हमने दूर रहना है। हमने हमेशा एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट बनानी है और उसमें जो जो हमारी इनोवेशन है वो हम लोगों ने उसमें मैंशन करनी है। अच्छा, अब हमारी स्पेसिफिकेशन शीट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो हम देखते हैं। अच्छा, बेसिकली जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट होने में बहुत बड़ा एक क्रिटिकल फेस है। हम वी कैन से दैट के अमेज़ॉन के जो सेलर्स हैं वो फेल भी प्राइवेट लेबल में इसी वजह से होते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफाई नहीं होते हैं कि हमने क्या क्या स्पेसिफिकेशन करवाती हैं। वो एक रैंडम सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं, अलीबाबा से, और उसको प्रोडक्ट दे देते हैं कि यार मैंने ये करना है, मुझे इसकी गुड क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये क्वान्टिटी है, और बस यहाँ से ना हमारा सारा काम ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम अपने पीएल पे ही सही तरह नहीं है कि यार हमारी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, हम वी कैन से दैट के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट इज़ योर अ गेम प्लान। ये आपका एक गेम चेंजर है, गेम पूरा एक प्लान कर रहा है। अच्छा, बेसिकली स्पेसिफिकेशन शीट करती क्या काम है, वो एक तरह का आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही होती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होनी चाहिए, डायमेंशंस क्या है, मटेरियल्स क्या है, और ए टू जी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके इस पूरी गेम प्लान के लिए आपकी रिक्वायर्ड है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये हमारा हर चीज़ उस पूरी स्पेसिफिकेशन शीट में इन्वॉल्व होती है जी। अच्छा, तो आगे चलते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरह है, हमने इस प्रोडक्ट को बनाना किस तरह है। अच्छा, ये आपने बनाना इस तरह है कि एक ना आपकी लिस्टिंग जो भी है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स कॉपी करके पेश कर देनी है अपनी एक पीपीटी फाइल या पीडीएफ में, और सारी गाइडलाइंस उसमें मेंशन कर देनी है, और क्या क्या डिटेल्स उसमें होंगी, हम क्या क्या चीज़ स्पेसिफिकेशन शीट में डालेंगे वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। एक टिप है कि ना जब भी आप अपनी स्पेसिफिकेशन शीट बनाएं उससे पहले अपने अमेजोन सेलर्स, आपके कंपटीटर जो भी हैं, उसको एक बार लिस्ट आउट कर लें कि वो किस तरह होने चाहिए, उसके क्या क्या रिव्यूज़ हैं, उनके जाके कमेंट्स पढ़ें, क्या क्या उनके क्लाइंट्स ने उनके प्रोडक्ट के बारे में ख़राब बातें की हुई हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोन्स एंड कॉन्स, हर चीज़ नोट कर लेनी है। उसके बाद जाके आपने वो फिर अपनी स्पेसिफिकेशन शीट बनानी है। उसके बाद व्हाट डिटेल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट, आपने डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लाजमी देखनी है कि यार व्हाट इज़ इट, वो क्या चीज़ है, व्हाट डज इट डू, वो क्या करती है, हाउ डज इट फंक्शन। जो भी आप पीएल का प्रोडक्ट देख रहे हैं, जो भी आप सोर्स करने जा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आपने लाजमी नोट करनी है और स्पेसिफिकेशन में डाल देनी है कि यार ये मेरा काम करता है, ये मेरा प्रोडक्ट है, उसकी ये फंक्शनैलिटी है। कंपोनेंट्स नीडिड एंड स्पेसिफाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इफ एनी, के आपके जो पीएल का प्रोडक्ट है उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर कोई है तो, अदरवाइज इट वेरिएशन है तो वो अपनी वेरिएशन लाजमी लिखनी है कि कितनी वेरिएशन है, क्या क्या कलर्स हैं, क्या क्या उसकी साइजेज होंगे, लेबल इट जो हर चीज़ में मैंशन करनी है, कोटिंग्स और ट्रीटमेंट्स के उसका इनर सेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका आउटर सेक्शन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने स्पेसिफिकेशन में लाजमी डालनी है। आपका SKU कि आपने कितना स्टॉक ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखना है कि यार किस तरह की मेरी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या मैं अगर इतने में $5 में ले रहा हूँ, क्या मैं कम्पिटिटिव, मुझे प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, अगर मैं $4 में जाता हूँ तब मुझे कितना होता है, अगर मैं 8 में जाता हूँ मुझे क्या क्या लॉस हो रहा है, और अगर कोई इनोवेशन आपने करवानी है कोई अलग से तो वो भी आपने अपनी स्पेसिफिकेशन शीट में डाल लेनी है। आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है और उसकी क्या प्रीसाइज अमाउंट है, वो हर चीज़, प्रोडक्ट डायमेंशंस के, बॉक्स कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स कैसे है कि आपने जब हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी तो उसके बाद हमने उस
क्राइटेरिया को पास कैसे करना है और किस तरह उसको चेक करना है। आई वी प्रेफर कि आप इसको किसी कंपनी के थ्रू करवा लें और किसी एफ बी ए प्रेप सर्विसेज किस तरह आपने हैंडल करनी है। मोस्टली कंपनीज आप फैक्ट्रीज आपको दे देती हैं, अदरवाइज किसी हम प्रेप सर्विसेज या जिसे इंस्पेक्शन करवा रहे होते हैं उससे हम अपना प्रेप करवा लेते हैं। लोगो क्या होना चाहिए, आपका ब्रांड का लेबल क्या होना चाहिए, क्या आपका ट्रेडमार्क है, उसका फाइल क्या है, डायमेंशन, पोजिशन, कलर्स, हर चीज़ आपने रेडी रखनी है जब आप स्पेसिफिकेशन दे रहे होंगे उनको। पैकेजिंग मटीरियल आपने किस तरह, लोगो स्पेसिफिकेशंस भी हो गया, प्रोडक्ट पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन के किस तरह आपने उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग रखनी है, पॉलीथीन में रखना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, क्या कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कोई अलर्ट रखना है या कोई भी ए भी चीज़ है, वो हर चीज़ रखनी है। शिपिंग स्पेसिफिकेशन क्या रखनी है कि कार्टन आपको पता है अमेजोन का साइज़ क्या होता है, नॉर्मल हाई, वो भी आपको हर चीज़ आपने इस पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन में रखनी चाहिए। मटीरियल क्या होना चाहिए बॉक्स का, उसका क्या ह्यूमिडिटी, किस तरह हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उस अपनी स्पेसिफिकेशन शीट में रखनी है। अब फर्दर हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन डू दिस ऑल द थिंग्स।